हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट स्मिता। वेलकम टू कैरेमेल। हमने आपके चैनल पर इससे पहले मछली की कई तरह की स्वादिष्ट रेसिपीज बनाई है। कोंकण में मछली के तर्रीदार रस्से के साथ साथ मसालेदार डिश भी बनाई जाती है, उसे कहते हैं सुक्का। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बांगड़ा सुक्का। बांगड़ा सुक्का हम बना रहे हैं 4 से 5 लोगों के लिए। इसके लिए हम लेंगे 5 छोटे आकार के बांगड़े। ये वजन में 400 ग्राम है। बांगड़ा को हमने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। हम इन्हें 2 टुकड़ों में काटेंगे। इस सुक्का के लिए हम एक मसाला पीसेंगे। मसाले की सामग्री इस प्रकार है: 12 से 15 लहसुन की कलियां, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 5-6 हरी मिर्च, आधा कप फ्रेश धनिया, 1/4 कप किसा हुआ फ्रेश नारियल, 10 बेड़गी सूखी लाल मिर्च, यहाँ हम लेंगे 8 से 10 कोकम, 10-12 कड़ी पत्ता, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1/4 टीस्पून तिरफल यानी कि टेपल, ये स्पाइस ज्यादातर कोंकणी खाने में इस्तेमाल होता है, 6-7 मेथी दाना, 1/4 टीस्पून हल्दी, स्वादानुसार नमक और जरूरत के अनुसार तेल। आप देख सकते हैं हमने हर एक बांगड़ा के 2 टुकड़े कर लिए हैं। इन टुकड़ों पे अब हम हल्दी लगाएंगे और थोड़ा सा नमक भी। थोड़ी सी हल्दी हम बचाएंगे जिसका हम मसाला पीसते वक्त इस्तेमाल करेंगे। बांगड़ा को हमें अच्छी तरह से हल्दी और नमक लगाना है। बांगड़ा को हम इस हल्दी और नमक के मैरिनेट में लगभग 10 से 15 मिनट तक रखेंगे। यहाँ मैंने 8 कोकम लिए हैं। ये कोकम मैंने मेरे गांव से लाए हैं। थोड़े बड़े आकार के हैं और थोड़े खट्टे भी। आप चाहे तो कोकम की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप गरम पानी। गरम पानी में कोकम थोड़ी देर सोख होने देंगे। अब हम सुक्का के लिए मसाला पीसेंगे। मिक्सर में डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च, किसा हुआ नारियल, साबुत धनिया, तिरफल, बची हुई हल्दी, मेथी दाने, ये सूखी मिर्च भी डाल देंगे। अब डाल देंगे फ्रेश धनिया। पानी डालकर इन सब की हम मिक्सर में फाइन पेस्ट बनाएंगे। मसाले का पेस्ट हमने बना लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना फाइन बना है और इसे पीसते वक्त मैंने लगभग 1/2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। आइए अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। एक कढ़ाई में हम 2.5 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाए हम इसमें तड़का देंगे कड़ी पत्ता का। आइए अब डाल देते हैं पिसा हुआ मसाला। ये मसाला कच्चा मसाला है, इसे हमें अच्छी तरह से तेल में भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। मसाला पीसते वक्त मैंने 1/2 कप पानी का इस्तेमाल किया था, उसी मिक्सर के बर्तन में मैंने और 1/2 कप पानी डाला है और वो पानी भी हम इस मसाले में मिलाएंगे। आंच हम धीमी से मध्यम रखेंगे और इस मसाले को हम ढककर पकने देंगे। लगभग 8 से 10 मिनट तक हमने इस मसाले को पका लिया है। आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से पका है और साइड से तेल भी छूटने लगा है। और जैसे ही ये मसाला पकता है ना, तो साबुत धनिया और तिरफल का बहुत ही अच्छा सुगंध आने लगता है और इसी स्वाद से ये बांगड़ा सुक्का काफी टेस्टी बनता है। अब हम इस मसाले में डालेंगे थोड़ा सा पानी, लगभग 1/4 कप, मिक्स कर लेंगे। हम आंच धीमी रखेंगे और आइए अब डाल देते हैं मैरिनेट किए हुए बांगड़ा के टुकड़े। मसाले में ये टुकड़े ठीक तरह से अरेंज कर लेंगे। बांगड़ा को हम हल्के हाथ से कड़छी से इस मसाले में मिक्स कर लेंगे। बहुत जोर से कड़छी नहीं चलानी है, फिश बहुत नाजुक होती है, टूट सकती है। ये काफी अच्छी तरह से हमने मसाले में अरेंज कर ली है। अब हम इस फिश को थोड़ी देर मसाले में पकाएंगे। आंच हम धीमी करके ढककर इसे पकाएंगे। धीमी आंच पर ढककर हमने इस फिश को लगभग 3 मिनट तक मसाले में पकाया है। मैं फिश पकाती हूँ ना, तब सच में घड़ी में टाइम देखकर ही पकाती हूँ, क्योंकि अगर फिश ओवर कुक हो गई तो मसाले में फैल जाती है।
अब हम इस फिश को और थोड़ी देर कोकम के साथ पकाएंगे। कोकम पानी में अच्छी तरह से सोख हो गई है। हम इस कोकम को ऐसे हाथ से ही मसल लेंगे ताकि इसका सारा जूस पानी में उतर जाए। कोकम को हम इस पानी के साथ साथ फिश करी में मिलाएंगे। कोकम के रस के साथ साथ हम ये मसली हुई कोकम भी फिश करी में डाल देंगे। फिश को अब हम और थोड़ी देर तक पकाएंगे। उसके पहले हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक। बांगड़ा को हमने मैरिनेट करते वक्त नमक लगाया है। कोकम को भी ज़्यादा दिन तक स्टोर करने के लिए नमक लगाया जाता है, इसलिए इस करी में नमक डालते वक्त थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा, नहीं तो पूरी अपनी डिश सॉल्टी हो जाएगी। आँच हम धीमी ही रखेंगे और ढककर फिश को और कुछ देर तक पकने देंगे। धीमी आँच पर और 2 मिनट तक हमने फिश को पका लिया है। आइए खोलकर देख लेते हैं। वाह, बहुत ही अच्छा सुगंध आ रहा है और काफी टेस्टी दिख रहा है ये सुक्का। मुझे तो इस करी को देख के अब भी भूख लगने लगी है। अब हम इसे गरम गरम परोसेंगे। बस गैस बंद कर लेंगे और कुछ मिनट तक ढककर रखेंगे। जैसे ही इस सुक्का की भाप थोड़ी कम हो जाए तब हम इसे चावल के साथ परोसेंगे। कोकर स्पेशल बांगड़ा सुक्का तैयार है। ये इतने चटपटी और स्वादिष्ट करी है और बनती भी बहुत झटपट है। इसके साथ मैंने परोस लिया है लाल चावल। ये चावल कोंकण में खास करके मिलता है, मैंने वही से खरीद के लाया है। आप इस बांगड़ा सुक्का को भाकरी के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो जल्द ही आप इस रेसिपी को बनाइए और हमें फीडबैक देना भूलिएगा मत इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। हमें आशा है आपको आज का हमारा रेसिपी वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी फूड रेसिपीज जानने के लिए हमारी सी फूड की प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करना भूलिएगा मत। हमारे रेसिपीज के नोटिफिकेशंस और चैनल के रेगुलर अपडेट्स इसके जरिए आपको मिलते रहेंगे। सो सब्सक्राइब नाउ एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग। बाय बाय।